कि आने वाला जो चुनौती है, जिस हिसाब से राहुल गांधी जी की लोकप्रियता में और उनको हम लोग सपना देख रहे हैं प्रधानमंत्री बनाने का, तो ये तो पूरी तरह से संभव नहीं हो पाएगा इस आदमी के रहते हुए, क्योंकि शुरू दिन से ही उन्होंने जो है रामगढ़ चुनाव को गंभीरता से नहीं लिया। वो लगातार ये कह रहे थे कि इस चुनाव में परिणाम अच्छे नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग चुनाव के मैदान में थे वो लोग बहुत शक्तिशाली थे और मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे। चार दिन पहले मुख्यमंत्री जी की चुनाव मैदान में उतरते ही माहौल बदला। ममता देवी जी एक आंदोलन की उपज रही है और एक ममत्व का चुनाव था, वेदना का चुनाव था, भावनाओं का चुनाव था, और ये चुनाव हर स्थिति में हम लोगों को जीतना था। 22,000 वोट से पराजय होना ये कोई साधारण बात नहीं है। हम ये लगातार कह रहे हैं कि अगर ये वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष की उपयोगिता कहीं और हो सकती है वहां लगाना चाहिए, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के रूप में जो है इनकी उपयोगिता सही नहीं है। प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विधायक को जेल भेजने के लिए एफआईआर किया, माननीय उच्च न्यायालय ने उन्हें ससम्मान जो है वो बरी किया, खत्म कर दिया। क्या प्रदेश अध्यक्ष जी अपने विधायकों को जेल भेजने के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे क्या? ये जवाब उनको देना चाहिए कि क्या वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? रामगढ़ के उपचुनाव में जिन नेताओं की भूमिका होनी चाहिए थी उन्हें दूर रखा गया। एआईसीसी के सदस्य के मनोनयन में वो लगे हुए थे, बोर्ड निगम के गठन में लगे हुए थे, रायपुर के अधिवेशन में अपने समर्थकों को भेज रहे थे कि कैसे उनको अध्यक्ष में लॉबिंग रहा जाए और वो बरकरार बने रहे, इस प्रयास में वो लगे हुए थे। बंधु तिर्की जी के चुनाव भी हुए, उन्होंने दावा किया, फिरालाल चौक पर खूब नाचे, डमरू बजा के अबीर लगाया, लेकिन ये सब जानते हैं कि बंधु तिर्की का चुनाव बंधु तिर्की ने जीता है। बंधु तिर्की कांग्रेस पार्टी ने वो चुनाव राजेश ठाकुर के नेतृत्व में नहीं जीता, वो बंधु तिर्की जी का चुनाव था। आप वो क्रिटिक लेते हैं, तो आज जब ये चुनाव के परिणाम हुई है तो इसका कौन जवाबदेही लेगा? वहां के कार्यकर्ताओं का कहना था कि इस चुनाव में धन की उगाही हुई है, जबकि बजरंग महतो जी का कहना है कि पार्टी की ओर से उन्हें कोई सहायता नहीं मिली। ये बहुत बड़ा आरोप है वित्तीय कुप्रबंधन का। चुनाव के मैदान में आप मंथन कर रहे हैं जिमखाना क्लब में, जबकि आपको जनता के बीच गांव में जाना चाहिए। आप हेलीकॉप्टर से जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हम लाखों मतों से जीत रहे हैं दावा करके राजधानी के रुइन होटल में रात 1 बजे तक नृत्य करते। तो कांग्रेस पार्टी मरमाहत है रामगढ़ उपचुनाव को लेकर के, दुखित है। हम जाएंगे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास कि एक दिन भी अध्यक्ष बने रहना पार्टी के लिए घातक साबित होगा। आज भी इनके संबंध आरपीएन सिंह के साथ हैं और उन्हीं के इशारे पर यहां पर वो पार्टी को रसातल में भेजने का काम कर रहे हैं। लगातार ट्वीट से लेकर के फेसबुक तक हर जगह लोगों के आक्रोश आपको देखने को मिलेंगे। अभी 48 घंटे भी नहीं हुए थे चुनाव परिणाम के, ये धनबाद में जाकर के हंसता हुआ नूरानी चेहरा नाच रहे हैं, वहां गा रहे हैं, वहां हंसी कर रहे हैं, ठिठोली कर रहे हैं। उनको कोई तकलीफ नहीं है कि रामगढ़ उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी की प्रतिष्ठा दांव पर लग गई। इनके रहते हुए पार्टी के कई बड़े नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। गीता श्री उराव जो इस राज्य की मंत्री थी और स्वर्गीय कार्तिक उराव जी की बेटी थी, वो स्वर्गीय कार्तिक उराव जी जिन्हें पंडित नेहरू ने राजनीति में लाया था, डॉक्टर पी नैयर, सन्नी टोप्पो, एनुल हक जैसे तमाम नेता पार्टी छोड़ करके जा रहे हैं। ये गंभीर विषय है जिसको देखने की जरूरत है। पार्टी हाईकमान को इन सारी बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं है। जिनको जानकारी देने की जिम्मेदारी है वो भी आंख मूंद करके बैठे हुए हैं। जिनके ऊपर जवाबदेही था संगठन को मजबूत करने का, वो स्वयं पार्टी बन गए। इसलिए इन सब चीजों को लेकर के हम कार्यकर्ताओं को बुलाकर समीक्षा करेंगे, रायशुमारी करेंगे। झारखंड संभावनाओं का प्रदेश है। हम धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी का और ममता देवी जी के संघर्षों को सैल्यूट करते हैं।
बजरंग महतो के प्रयासों को धन्यवाद देते हैं कि हम जो है एक अच्छे सम्मानजनक स्थिति में आ गए, वरना अगर मुख्यमंत्री जी तूफानी दौरा और प्रचार नहीं किए होते तो हमारी जमानत तक नहीं बच पाती होती। हमारे चारों मंत्रियों को हम धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जो है पूरी गंभीरता से, लेकिन जिसके ऊपर में जवाबदेही था नेतृत्वकर्ता का, वो नेतृत्वकर्ता पूरी तरह से असफल साबित हुआ है। इसलिए इस्तीफा तो देने वाले हैं नहीं, हम हाईकमान से मांग करते हैं कि इसमें इस व्यक्ति के अंदर में सब चीज इनको चाहिए, इसलिए नैतिकता के आधार पर इसको जो है पार्टी अविलंब डिसमिस करे, नैतिकता नहीं डिसमिस, गो एंड गॉन। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।